खबर आपको दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को कराची में हिरासत में ले लिया गया है। नजीर शाह से मजीद जानेंगे। नजीर, बताएगा गिरफ्तारी से मुतालिक। इमरान इस्माइल जो साबिक गवर्नर सिंध है, इनको डिफेंस फेस 8 से अब से कुछ देर कबल हिरासत में लिया गया है। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई, जिनका कहना है कि इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है कि शोबे तफ्तीश की जानिब से हिरासत में लिया गया, और यह भी बताया जा रहा है कि इस छापे में किमाड़ी पुलिस भी शरीक थी। और इमरान इस्माइल को सबसे पहले दरख्शा थाने मुंतकिल किया गया, उसके बाद अब उनको दूसरी जानिब मुंतकिल करने की भी इतलात आ रही है। और यह भी बताया जा रहा है कि सादा लिबास एहलकार थे जिनकी जानिब से इमरान इस्माइल को हिरासत में लिया गया है। और इससे कबल जितनी कराची में गिरफ्तारियां हुई हैं, या तो वो दहशतगर्दी एक्ट या 188 सेक्शन के तहत हुई हैं, लेकिन इमरान इस्माइल के खिलाफ एक FIA में मुकदमा था जिस पर वो जमानत पर है, जबकि कराची में उनके खिलाफ दीगर कोई मुकदमा दर्ज होने की इतलात सामने नहीं आई है। अब इनको किस मुकदमे में हिरासत में लिया गया, ये तफसीलात कुछ देर बाद सामने आ सकेंगी। जी नजीर, बहुत शुक्रिया, तफसीलें आगा कर रहे थे नजीर हमारे नुमाइंदे। आपको बताएं कि PHR रहनुमा और साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल को हिरासत में ले लिया गया है। अरसलान ताज ने इमरान इस्माइल को हिरासत में लिए जाने की तस्दीक कर दी है। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल को डिफेंस फेस 8 से हिरासत में लिया गया है। इब्तदाई तौर पर शोबे तफ्तीश की जानिब से हिरासत में लिया गया है।